कंकड़ खिला दिया। कोई बात नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं जादू है, जादू इन पुड़ियों में है। माँ तुम भी, पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ वजन कम करने के लिए दवा नहीं तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। मैंने सुना तुमने मेरे पट्ठों को मारा। क्यों? वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। अच्छा तुम दोनों भी हंसो। वाह, लगता है बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हाँ, हमारे राज्य के ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी हलवाई और रसोइये अपने पकवान का प्रदर्शन करने यहाँ आए। अरे अरे उस्ताद किधर चले? देखो ना भीम, जलेबियाँ, करारे सेव, भेलपुरी और वो उधर अलग अलग तरह की चॉकलेट। हाँ अभी बस शुरू होने ही वाला है। हम जरा तैयार हो रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरी घरवाली तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। ओहो, क्या कहा? बच्चों के सामने मेरी चुगली करते हो क्या? अब फंस गया, उसने सब सुन लिया, अब तो मेरी खैर नहीं। हाय मर गया। हाय 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 मर गया मर गया। एक मिनट मैं अभी आता हूँ। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। लो एक मेरी तरफ से फ्री। सब तोड़ फोड़ डालूंगा।
इसका हाल तो बहुत खराब है। एक लड्डू सुबह शाम से काम नहीं बनेगा। दो दो लड्डू सुबह दोपहर शाम। लगी शर्त? मैं सुमो रेसलर हूँ, शर्त नहीं लगाता, पीट डालता हूँ। तो लगी शर्त? बातें मत बना, मुझसे लड़ सकती है तो मैदान में आ। तो लड़ाई ही सही, मेरी तरफ से ये लड़ेगा। टुनटुन मौसी, इसके लिए एक नहीं पूरे 6 लड्डू लगेंगे। अभी पूरा ठीक नहीं हुआ। पूरे 6 लड्डू खाऊंगा फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। सच में भीम है लड्डू, कैसे कर लेते हो तुम भीम? तुम भी कर सकते हो जग्गू, जरा घूमो। अरे वाह, क्या बात है। वाह भीम तो सचमुच कमाल का है, जरा देखो उसने तो जग्गू को भी सिखा दिया। आप कब हमें ऐसे पैतरे सिखाएंगे कालिया उस्ताद? खुद गेंद संभालना आए तो हमें सिखाएंगे ना। खोलू, गेंद छोड़ो, तुमने जुबान नहीं संभाली तो तुम्हें ही मैं लट्टू बनाकर घुमा दूंगा। कालिया, मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ, इसलिए तो गेंद के बजाय खुद ही घूम रहे थे। वैसे भी गेंद से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, पर फ्रिस्बी घुमाना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा तो हो जाए मुकाबला। हाँ खेलो। इस बार तो इतना ऊंचा फेंकूंगा कि किसी की पकड़ में ही नहीं आएगा।